हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पहला पाठ। पहले पाठ में है जीवों में जनन। जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इंग्लिश में भी आप जानिए क्योंकि कक्षा 12वीं में अंग्रेजी बायोलॉजी वोकल वर्ड्स जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे सवाल ऐसे होते हैं जो लिखा जरूर हिंदी के देवनागरी लिपि में रहता है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन वाला जो शब्द रहता है वो अंग्रेजी के रहते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवों में जनन। ठीक है, आगे आता है जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन का मतलब होता है हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमको, क्या फ़ायदे हैं एट्सेट्रा, ये हमको समझ में आ जाता है। तो सीधे से हम उस पॉइंट में आते हैं जनरल इंट्रोडक्शन में, ऐसी क्रिया जिसमें जीव अपने जीव को जन्म देता है। ठीक है भाई, हेडिंग ही है जीवों में जनन, अर्थात ऐसी क्रिया या वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अपने समान नए जीवों को पैदा करना या जन्म देना, अपने समान नए जीव को जन्म देता है, अपने समान नए जीव को जन्म देता है। अब जब अपने समान नए जीव को जन्म देता है तो जाहिर सी बात है अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, अपनी प्रजाति की निरंतरता को अर्थात कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाए रखता है, बनाए रखता है, उसे प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रजनन कहते हैं, उसे रखता है उसे प्रजनन कहते हैं, प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको परिभाषा? ठीक है, परिभाषा में काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई है, जैसे अपने समान नए जीव को पैदा करना या जन्म देना। ठीक है, जाहिर सी बात है अपने समान नए जीव को पैदा करेगा, जन्म देगा तो अपनी प्रजाति की निरंतरता को भी बनाए रखेगा, उसे प्रजनन कहेंगे। समझ में आया? ये प्रजनन की जो प्रक्रिया है, प्रजनन की जो विधि है, प्रजनन की विधि महत्वपूर्ण लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है। किसका लक्षण है महत्वपूर्ण? प्रजनन, प्रजनन महत्वपूर्ण लक्षण है। किसका लक्षण है? समस्त जीवधारियों का। किसका लक्षण है? समस्त जीवधारियों का। इस प्रजनन की क्रिया के द्वारा, इसी के द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा जीवधारी अपने अनुवांशिक पदार्थ को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? डीएनए, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर आरएनए। अपने अनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। समझ में आ गया होगा आपको कि प्रजनन क्यों होता है। जाहिर सी बात है प्रजनन की प्रक्रिया में अनुवांशिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे तो उन नए बनने वाले जीव में अपने संततियों के समान, अपने जनकों के समान गुण पैदा होगा। समझ में आ गया? तो ये गुण जो पैदा होता है, ये नए गुण का पैदा करना या पैदा होना ही कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को दर्शाता है। ठीक है, जीवों की जनन में निरंतरता को बताता है, प्रजाति की निरंतरता को बताता है। ठीक है, जैसे जीवधारियों में प्रजनन होता है, ठीक वैसे ही विभिन्न प्रकार के पौधों में भी होता है। किसमें होता है? पौधों में भी सामान्यतः किसके द्वारा प्रजनन होता है? बीज की प्रक्रिया के द्वारा। बीज में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करनी पड़ती है तब हमको नए पौधे मिलते हैं। पौधों में सामान्यतः किसके द्वारा गुणन होगा? बीजों के द्वारा, बीजों द्वारा गुणन होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये ज्ञात रहना चाहिए और ज्ञात करना चाहिए, अगर नहीं है तो। कुछ अन्य पौधे होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से जैसे जड़, तना, प्रकंद, ट्यूबर्स, रनर आदि, इससे भी
प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है पौधों में, ठीक है। इसके साथ साथ पौधों में अलैंगिक संरचना का भी निर्माण होता है, समझ में आया? पौधों में किसकी संरचना का निर्माण होता है? अलैंगिक संरचना का। अलैंगिक अर्थात आप समझ सकते हैं कि अलैंगिक संरचना का निर्माण हो रहा है, मतलब इसमें अलैंगिक जनन हो रहा है, अलैंगिक संरचना का निर्माण। जब इसमें अलैंगिक संरचना का निर्माण होगा तब इसमें कौन सा जनन होगा? अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा। अर्थात प्रजनन की एक विधि ये भी है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी संरचना बनती है? संरचना की बात हमने किया तो एक उदाहरण दे देते हैं हम, कोनेडिया। कोनेडिया आप सुने होंगे, बीजाणु आप सुने होंगे, ठीक है। इसके द्वारा अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, समझ में आ गया? क्लियर है, समझ में आया? लेकिन ये जो संरचना है, अलैंगिक संरचना का निर्माण या अलैंगिक संरचना के द्वारा होने वाला जनन, जिसको हमने अलैंगिक जनन पढ़ा, अलैंगिक जनन कहा, ये सिर्फ और सिर्फ निम्न वर्गीय पौधों में संपन्न होती है, निम्न वर्गीय पौधों में होती है, ऐसा लिखते हैं, निम्न वर्गीय पौधे में होती है, समझ में आया? अब आते हैं थोड़ा सा जंतु की तरफ। जंतुओं में भी, जंतुओं में दो प्रकार की प्रजनन होती है, एक होती है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक, समझ में आया? अगर इसमें अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन किसके किसके द्वारा होता है, इसके लिए कुछ विधि के रूप में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे है विखंडन, मुकुलन, प्लाज्मोटोमी, गेमुल विखंडन, पुनरुद्भवन, ऐसे बहुत सारी विधि है अलैंगिक जनन की, ठीक है। उसके द्वारा लैंगिक जनन होता है जंतुओं में। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन के लिए क्या होता है? जो दो जनन इकाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है, दो जनन इकाई की जरूरत पड़ती है। इकाई में मैं लिख रहा हूँ सिर्फ युग्मक का निर्माणकर्ता अंग का नाम, जैसे नर में होता है वृषण और अंडाशय होता है मादा में, ठीक है, समझ में आ गया? ये नर जनन इकाई है, ये मादा जनन इकाई है। नर जनन इकाई के रूप में हम लोग जानते हैं शुक्राणु को, शुक्राणु, वीर या स्पर्म इंग्लिश में, और मादा जनन अंग के रूप में जानते हैं ओम, अंड या अंडाणु को। तो इस प्रकार से अलैंगिक और लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है, समझ में आ गया होगा आपको ये शुरुआती कंटेंट। इसके बाद में आता है प्रजनन की विशेषताएँ, प्रजनन की विशेषताएँ, ठीक है। विशेषताएं, विशेषताएं का मतलब क्या होता है? कौन कौन से कैरेक्टर दर्शाता है प्रजनन, ठीक है। जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा कि महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है, क्या है? महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है, महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषता रखता है, प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है, प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है, प्रजाति की निरंतरता इसी से बनी रहती है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है, हम लोग उसको बिंदुओं में देखेंगे। पहला आप देख सकते हैं प्रजनन इकाई का निर्माण होता है, विशेषताओं में प्रजनन इकाइयों का निर्माण। प्रजनन इकाइयों का निर्माण से तात्पर्य क्या होता है? युग्मकों का निर्माण, गैमेट्स फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण, गैमेट्स फॉर्मेशन। दूसरा, ठीक है, इस क्रिया के द्वारा मतलब प्रजनन की क्रिया के द्वारा नई पीढ़ी का जन्म होता है, नई पीढ़ी का जन्म होता है, ठीक है। जब नई पीढ़ी का जन्म होता है तो जीवन की निरंतरता बनी रहती है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। अगला, अगर विशेषताओं पे जाएंगे तो हमें ये मिलेगा कि प्रजनन के कारण कोशिकाओं और जीव की संख्या में वृद्धि होती है। किसकी संख्या में वृद्धि होती है? कोशिकाओं व जीव की संख्या में वृद्धि होती है, जीव संख्या में वृद्धि, समझ में आया? समझ में आ रहा होगा आपको, काफ़ी सरल है विशेषता, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ये पूछा जाता है पेपर में। अगला विशेषता, कोशिका विभाजन संभव होता है इसके द्वारा। अगर प्रजनन की क्रिया नहीं हो तो कोशिका विभाजन संभव नहीं होगा, समझ में आ गया? कोशिका विभाजन संभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए डुप्लीकेशन,
समझ में आया? डीएनए डुप्लीकेशन होता है तभी तो जाके ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी निरंतरता को बनाए रखता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी निरंतरता को बनाए रखता है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंड अदर बायोकेमिकल मटेरियल्स का निर्माण होता है। समझ में आया ना? किसका किसका निर्माण होता है? आरएनए का, प्रोटीन का और बायोकेमिकल मटेरियल्स का निर्माण होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब विशेषता के बाद में हम देखते हैं कि प्रजनन के क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। प्रजनन के लाभ अब आपसे मैं अगर पूछूं कि प्रजनन के क्या लाभ होता है, जानते भी हैं, ठीक है, तो उसको हम बायोलॉजिकल भाषा में पढ़ लेते हैं। पहला, प्रजनन के लाभ भी हम सबसे पहले लाभ पढ़ते हैं और जानते हैं, प्रजाति की निरंतरता। प्रजाति की निरंतरता समझ में आया? प्रजाति की निरंतरता से तात्पर्य क्या होता है? प्रजनन के कारण प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है, अर्थात वो विलुप्त होने से बचता है। किससे बचता है? प्रजाति की निरंतरता से, विलुप्ति से बचाव, ऐसा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि समझ में आ जाए। विलुप्ति से बचाव के लिए प्रजनन की क्रिया करते हैं। दूसरा आता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट। प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होगा? नए जीवों की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अब नए जीवों की उत्पत्ति कैसे होगी? प्रजनन के कारण विभिन्न प्रकार के रोग, जीर्णता, विभिन्न प्रकार के रोग है, जीर्णता है, आयु है, वृद्धि है, एवं कई प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवों के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार के समस्याओं का निराकरण प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। अगला लाभ हम देखते हैं, अगला लाभ में हमको मिलता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है, जीवों के अस्तित्व के लिए, या अस्तित्व को बनाए रखने के, अस्तित्व के, जीवों के अस्तित्व के लिए। समझ में? जीवों के अस्तित्व के लिए का मतलब प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवों एवं जीवन का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। अगर प्रजनन नहीं हुआ तो जीवों का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन के लिए, विभिन्नता के लिए, अर्थात ये भी एक लाभ है। विभिन्नता से तात्पर्य होता है वेरिएशन, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मतलब वैरायटी, अर्थात जब प्रजनन की क्रिया होगी तब जीवधारियों में लगातार विभिन्नताएं आती जाती है, अर्थात नए गुण वाले संतान पैदा होते हैं। नए गुण, ठीक है, नए गुणों वाले संतान पैदा होते हैं। समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है, आखिरी में हम लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो विभिन्नता आती है इसका स्थानांतरण, अर्थात अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, विभिन्नताओं का स्थानांतरण का मतलब भाई किसी जीव में विभिन्नता पैदा हुआ है तो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान आपने ऐसा पढ़ा है कि अनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। किसके स्थानांतरण होता है? अनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण। अब जाहिर से बात है अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होगा का मतलब जो विभिन्नता वाले गुण बने हुए हैं उसका स्थानांतरण होगा। उसका स्थानांतरण होगा तो नए जीव की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी? नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये लाभ में इतना ही, आप समझ गए होंगे प्रजनन के क्या क्या लाभ होते हैं। आगे आता है प्रजनन की विधियां, अर्थात मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। तो जीवों में सामान्यतः प्रजनन की मुख्यतः तीन विधियां पाई जाती है। कितनी विधि पाई जाती है? तीन विधि। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। और जो तीसरा होता है वो होता है वर्धी जनन। वर्धी मतलब वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वर्धी जनन बोलते हैं इसको, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेशन बोलते हैं इसी को, और लिखते हैं हम लोग प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इनमें से जो लैंगिक विधि के द्वारा प्रजनन होता है, जैसे हमने दूसरे नंबर पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अब थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? निम्नवर्गीय पौधों में। किसमें होगा? निम्नवर्गीय पौधों में। समझ में आ गया? और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही किसमें होगा अगर पौधों की बात करें तो? उच्च वर्गीय पौधों में, उच्च वर्गीय पौधों में। समझ में आ गया? समझ में आया? ये उच्च वर्गीय पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और निम्न वर्गीय पौधों में असेक्सुअल या अलैंगिक प्रजनन की क्रियाविधि होती है। समझ में आया? अगर थोड़ा सा हम गौर करें इस बात पर, ध्यान दें कि निम्न वर्गीय पादप क्या होगा या पौधे क्या होंगे, तो इसमें क्या क्या आता है? एल्गी, शैवाल बोलते हैं जिसको, फंगस या फंजाई बोलते हैं जिसको, कवक, ठीक है, टेरिडोफाइट्स एट्सेट्रा। ये कुछ अनावृत्ति बीजी प्रकार के प्लांट है, अल्प विकसित प्रकार के प्लांट कहना चाहिए। इनमें क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। समझ में आ गया? अलैंगिक जनन, हम परिभाषा में जाते हैं, मैं परिभाषा पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल के बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ कुछ पॉइंट ही लिखूँगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ, जैसे वह जनन विधि, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऐसी जनन विधि या वह जनन विधि जिसमें विशिष्ट रचनाएं या तो नहीं बनती या तो केवल समसूत्री विभाजन द्वारा ही बनती है, ठीक है। अर्थात जनन की वह विधि या वह जनन विधि जिसमें जनन कोशिकाएं या विशिष्ट जनन रचनाएं, जनन कोशिका, सॉरी, जनन कोशिकाएं या विशिष्ट रचनाएं या तो नहीं बनती, समझ में आया ना, नहीं बनती, या तो केवल समसूत्री विभाजन द्वारा बनती है। कौन सी विभाजन द्वारा बनती है? समसूत्री विभाजन द्वारा बनती है। समझ में आ गया होगा आपको, समसूत्री विभाजन द्वारा बनती है, बनती है। अर्थात हम यहां पर यह कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में जनन इकाइयों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। यहाँ पर क्या नहीं होता? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर जब जनन इकाई ही नहीं बन रही है तो अर्धसूत्री विभाजन कैसे होगा? अर्थात हम ये कहें कि इसमें बिना निषेचन के, किसके बिना निषेचन के ही, इकाइयाँ विकसित होकर, कौन सी इकाइयाँ? जनन इकाइयाँ, इकाइयाँ विकसित होकर नए जीव बना देती है। समझ में आया? नए जीव बना देती है। आप समझ गए होंगे, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं।
ये पेपर में कई बार पूछा गया है, क्लोन, क्लोन से आप क्या समझते हो? तो आपको पता होना चाहिए कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा बने हुई नई संतति को क्लोन कहते हैं, और हर क्लोन को, प्रत्येक क्लोन को, है ना, प्रत्येक क्लोन को रैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रैमेट, ये ध्यान में रखोगे, रैमेट। प्रत्येक क्लोन को क्या कहते हैं? रैमेट। अलैंगिक प्रजनन के द्वारा बनी हुई नई संतति को हमने क्लोन पढ़ा, क्लोन कहा, और क्लोन को, हर क्लोन को हम लोग रैमेट कहेंगे। अब वही फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? अलैंगिक प्रजनन सभी निम्नवर्गीय पौधों में होता है। किस में होता है? सभी निम्नवर्गीय पौधों में होता है, पौधों में, ठीक है, निम्नवर्गीय पौधों में। एग्जाम्पल क्या क्या है ये हमने पढ़ा था, सभी निम्नवर्गीय पौधों में, एल्गी, फंगाई या फंजाई, टेरिडोफाइट्स इत्यादि में, शैवाल में, कवक में, ऐसा अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। आगे आता है अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं, इस प्रजनन की क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग फटाफट देखेंगे। अलैंगिक प्रजनन की विशेषताओं में हम लोग जाएंगे तो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि इसमें कोई जनन इकाई या विशिष्ट रचना नहीं पाई जाती या नहीं बनती, केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अर्थात हम लोग ये कहें केवल एक जनक होता है, ये केवल एक जन की होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोफेरेंटल। क्या बोलते हैं इसको? मोनोफेरेंटल। समझ में आया? दूसरा, इसमें कायिक कोशिका भाग लेती है। कौन सी कोशिका भाग लेती है? कायिक कोशिका भाग लेती है, इसलिए इसको कायिक जनन भी कहते हैं, कायिक कोशिका भाग लेती है, ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे, युग्मक का संलयन नहीं होता, युग्मक संलयन नहीं होता, ठीक है। इसमें बनने वाली संततियां जनक के समान होती है, अर्थात संतति किसके समान होती है? संतति जनक जैसे होती है, और जो संतति जनक जैसे होती है उसकी आकार संरचना में समानता होती है, इसलिए इसका नाम होता है क्लोन। आपने पढ़ा है क्लोन, ऊपर ये पढ़े थे ना, क्लोन, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, अगुणित द्विगुणित पीढ़ियों का एकांतरण नहीं होता, ठीक है। इसमें अगुणित, अगुणित मतलब हेप्लाइड, एवं द्विगुणित पीढ़ियों का एकांतरण नहीं होता, पीढ़ियों का एकांतरण नहीं होता। समझ में आया? नेक्स्ट एंड देन लास्ट कैरेक्टर्स के रूप में हम लोग पढ़ेंगे कि नवजात संततियां अनुवांशिक रूप से समान होती है, अनुवांशिक रूप से समान होती है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अलैंगिक जन्म से क्या लाभ होता है, क्या हानियाँ होती है, अलैंगिक जन्म के प्रकार क्या क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएगा अलैंगिक जनन से लाभ हानि, अलैंगिक जनन के प्रकार, फिर लैंगिक जनन, एट्सेट्रा। धन्यवाद।